वेलकम टू कुकस्मार्ट, आई एम संजीव कपूर। और भाई खाना दुनिया के किसी भी कोने का हो, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर होती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर दाल बनती है, दाल बहुत जगह और बनती है। अब दाल के रूप में ना बने तो कई बार सूप के रूप में बनती है, कई बार चने, अगर हमारे जैसे चना मसाला नहीं बने तो कुछ अलग बनते हैं। अब जैसे डिप के रूप में बन जाते हैं हुमस जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वैसे ही दाल के साथ में कोई डिप बनाए। मैं बताता हूँ कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास में है भीगी हुई मूंग, और ये मेरे पास है चना, भीगे हुए चना, और ये जो है मूंग एक पार्ट, और चना जो है वो आधा पार्ट। तो इसको डाल दिया ये पकने के लिए। और क्या इसके अंदर डालना है, ये मेरे पास नमक, नमक डाल दिया, और नमक के साथ साथ इसमें डालते हैं पेपर। तो नमक और पेपर के साथ ये मूंग की दाल धुली हुई और चने की दाल। अच्छा, इसको पकने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो ये जो है इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये लगा देते हैं इसके ऊपर ढक्कन, ताकि ये पक जाए अच्छी तरह से। अच्छा, जब तक ये पकती है एक काम और करते हैं। ये ब्रेड मुझे चाहिए, और ब्रेड में आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। मैंने बंस लिए हुए हैं, और बंस जो हैं उसके इस तरह से स्लाइसेस काट लेते हैं। ये लीजिए, बन ले लिया, बन के स्लाइसेस, या ब्रेड भी ले सकते हैं, ये साइज थोड़ा सा बढ़िया है। तो इसे सेक लेते हैं, इसे सेकना है हमें इस रेसिपी के लिए। अब इसमें मुझे चाहिए जरा ढेर सारा प्याज, और ये जो प्याज है ना, ये प्याज क्या करना है, एक्चुअली प्याज लेकर फिर इसे काटना है, और प्याज में थोड़ा सा हरा प्याज भी, तो इसे जरा रफली पहले काट लेता हूँ मैं, और फिर इसे जरा मशीन में काट लिया जाएगा। तो ये हो गया, हाँ ये हरा प्याज भी ये हो गया। ये लीजिए, इसके अंदर काट लेते हैं। ध्यान दीजिए, ब्रेड वगैरह जलनी नहीं चाहिए, दाल में तो पानी खूब है, दाल की टेंशन नहीं है। प्याज इसके अंदर रख दिया, तो प्याज को थोड़ा काट लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया प्याज का काम। दाल जो है इसमें, इसके ऊपर जो स्कम है, ओहो हो, ये स्कम के साथ मेरी जो काली मिर्च है ना, ये भी सारी की सारी गई। कोई बात नहीं, टेस्ट करके देखेंगे, बाद में और डाल देंगे। तो ये लीजिए, ये निकाल लिया, स्प्रिंग अनियन, ये हो गए तैयार बढ़िया से, और ये प्याज, हरा प्याज रेडी। ये जो ब्रेड है इसको मैं बंद कर देता हूँ, गार्लिक चॉप करना है। अच्छा, ये मेरे पास एक खिलौना सा है, तो ये खिलौना क्या है जरा चेक करता हूँ। मैं खरीद तो लेता हूँ, फिर टेस्ट भी करना पड़ता है ना। ये खिलौना एक्चुअली है गार्लिक चॉपर। कैसे चॉप होगा, बंद करके इसमें चलिए चेक करते हैं कि क्या हाल हुआ इसका। वाह, कट गया बढ़िया से, वाह जी वाह। चलो, ये खिलौना जो है ये काम आ गया। ये जो हमारे पास ब्रेड है ना, जो मैंने कहा है कि तैयार हो गई है, इसमें थोड़ा डालना है ऑलिव ऑयल। हर पीस के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जब ये हो जाए तैयार। वाह, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और अब ये जो दाल है ना, ये भी मुझे लगता है बस बहुत ज़्यादा हमें पकानी नहीं है, और इसे छान लेते हैं। पानी जो है इसमें से निकाल लेना है, और इसे थोड़ा सा ठंडा करना है। ये लीजिए, इसी के अंदर इसको डाल सकते हैं। ये लिया,
अच्छा इसको थोड़ा स्मूथ पीसना है, तो ये अगर आपको ऐसा लगे कि ये पीसने में दिक्कत हो रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। और पानी कौन सा, वो वाला पानी डालें, ये वाला पानी डालें, मैं ये थोड़ा सा ये डालता हूँ ताकि ये ठंडा भी हो जाए। बस ये पीस लिया हमने, और इसके बाद ये ढेर सारा स्प्रिंग अनियन हमारे पास, और ये लेकर इसके अंदर, मतलब जो प्याज है ना ये ढेर सारा चाहिए इसके अंदर। यही खासियत है इसकी कि प्याज जो है वो थोड़ा ज़्यादा, ये ले लिया, और ये जो खिलौने में से गार्लिक लिया था ना काटा था वो भी इसके अंदर, और इसमें ज़रा नमक और चाहिए होगा तो नमक डाल देते हैं इसमें। और नमक के साथ साथ नींबू का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल इसके अंदर, तो ये जो नींबू है, जैसे फिल्मों में आइटम नंबर होता है ना, बिल्कुल खाने के अंदर भी खास तौर से इस रेसिपी में ये आइटम नंबर है बिल्कुल। ये लीजिए, आ हा हा, ये नींबू का रस इसके अंदर, बस। और अब इसके अंदर जो मिक्स करनी है चीज वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसके अंदर, ये देखिए ये क्या चीज तैयार हो रही है। जैसे मैंने बताया ना कि हुमस तैयार होता है चने से, ये मूंग से और चने की दाल से। इसके बाद इसको चिल कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे। और ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है ना, ये इसमें, और ये हमारे पास जो हमने लिया इसको इसके ऊपर, ये लीजिए। और यदि आप चाहें तो इसकी गार्निश थोड़ी थोड़ी रेड कैप्सिकम के जूलियन से, ये लीजिए। अब ये जो है बड़ी कमाल की चीज, लेमन का टेस्ट स्प्रिंग अनियन के साथ में, दाल के साथ में, अपने घर में बैठे के बना सकते हैं। वैसे इसका मजा लिया जाता है ग्रीस के अंदर, ग्रीस जाने की अब कोई जरूरत नहीं।